हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए नेनुआ दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए इसे हम बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन में तेल लिया है, इसमें ऐड किया रेड चिल्ली, इसे हम गर्म होने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे दो कटे हुए प्याज। प्याज को हम गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कटोरी दाल, इसे हम चला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए नेनुआ, इसे भी हम चला कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, इसे भी हम चला के मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटो, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, इसे भी हम चला कर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप वाटर, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम मीडियम फ्लेम तक पका लेंगे 10 मिनट तक। 10 मिनट बाद हम खोल के चेक कर लेंगे। देखिए दाल हमारा अच्छे से गल चुका है, सब्जी भी हमारा पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए हरा धनिया, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है नेनुआ दाल की। सब्जी हमारा रेडी है। अगर आप हमारे चैनल पर रेडी हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ।